नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन माइनिंग के बारे में कि बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है और आप कैसे बिटकॉइन माइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे बिटकॉइन माइनिंग होता है। पहले ये जान लेते हैं कि बिटकॉइन माइनिंग होता क्या है। बिटकॉइन माइनिंग यानी बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन पे नजर रखना, यानी जब बिटकॉइन एक यूजर से दूसरे यूजर तक पहुंचता है, यानी एक यूजर दूसरे यूजर को बिटकॉइन सेंड करता है या रिसीव करता है, तो उसे ट्रांजेक्शन कहते हैं। एक यूजर दूसरे यूजर के बीच ट्रांजेक्शन, तो उसी पर नजर रखना माइनिंग कहलाता है, बिटकॉइन माइनिंग। यानी उसमें क्या होता है, हम नजर क्यों रखते हैं, क्योंकि एक यूजर दूसरे यूजर को जब ट्रांसफर कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि हैकर लोग होते हैं जो उसे हैक कर लेते हैं, और वहां पर जो उसका एड्रेस होता है बिटकॉइन एड्रेस, उसे चेंज कर देते हैं। मतलब उस यूजर का एड्रेस चेंज करके अपना ही एड्रेस दे देते हैं और जो बिटकॉइन है उनके एड्रेस पे आ जाता है, या हैक करके बिटकॉइन ले लेते हैं। इसी को कहते हैं बिटकॉइन माइनिंग, यानी उस ट्रांजेक्शन पे नजर रखना कि ताकि कोई थर्ड पार्टी यानी कोई और हैकर आके उसको ना चुरा ले, और रखना कि जहां से मैंने बिटकॉइन यानी जिस यूजर ने, एक यूजर ने बिटकॉइन सेंड किया बी यूजर को, ए यूजर ने सेंड किया बी यूजर को, तो ए यूजर से बी यूजर तक ही जाना चाहिए, कोई सी या डी इसमें नहीं आना चाहिए। तो यही ट्रांजेक्शन पे आपको नजर रखना है और सेव करना है बिटकॉइन ट्रांजेक्शन को। हालांकि हमारा जो सिस्टम होता है, हम जो मैनुअली बना सकते हैं सिस्टम, ज्यादातर वो उतना सेफ नहीं होता है, क्योंकि ये पावरफुल सिस्टम चाहिए इसके लिए, बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल चाहिए। तो आप छोटा मोटा माइनिंग कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखिए कि आप अपने सिस्टम में या आप अपने लैपटॉप से माइनिंग ना करें, क्योंकि आप अपने सिस्टम या लैपटॉप से माइनिंग करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉब्लम इस तरह का, क्योंकि आपको माइनिंग करने के लिए आपका पूरा सीपीयू का मतलब यूज करेगा, पूरा सीपीयू कैप्चर कर लेगा, जितना सीपीयू का आप स्पीड है पूरा कैप्चर करेगा, जिससे आपका फैन स्पीड में घूमेगा, और पूरा रैम यूज करेगा, पूरा हार्ड डिस्क, सब पूरा चीज आपका यूज करेगा। एक अच्छा खासा होना चाहिए ग्राफिक कार्ड, ग्राफिक कार्ड इसमें मेन है, ग्राफिक कार्ड होना चाहिए अच्छा खासा, और इसके बाद आप माइनिंग कर सकते हैं। मैं सलाह दूंगा कि आप अपने सिस्टम में या लैपटॉप में माइनिंग ना करें, एक अच्छा से मैनुअली बना लें अलग मदरबोर्ड, जो भी रिक्वायरमेंट होता है माइनिंग करने का वो कर लें। अगर आप लैपटॉप या सिस्टम में करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आता है और आपका सीपीयू खराब होने का डर है, आपका सिस्टम खराब होने का डर है, और आपको उतना प्रॉफिट भी नहीं होगा जितना आपका खर्चा हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल और ETC में। तो यही होता है माइनिंग, आप एक रिक्वायरमेंट होता है माइनिंग का, आपको एक मदरबोर्ड चाहिए अच्छा खासा, आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए अच्छा खासा, एक सीपीयू चाहिए अच्छा खासा जो 24 आवर चल सके लगातार लगातार लगातार, समझ रहे हैं, लगातार आप अगर माइनिंग कीजिएगा तब आपको कोई प्रॉफिट होगा, क्योंकि बिटकॉइन के स्कोप जो फ्यूचर में बिटकॉइन के स्कोप है बहुत ज़्यादा है, और इस बहुत अच्छा है बिटकॉइन का रेट बहुत इतना तेजी से जो बिटकॉइन का रेट बढ़ रहा है फ्यूचर में, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, तो बिटकॉइन आपके पास तो जरूर होना ही चाहिए। तो आप बिटकॉइन माइनिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन अपने सिस्टम या लैपटॉप में ना करें, एक मैनुअली अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का है तो आप मैन्युअली एक अलग कर लें और शुरू कर दें, क्योंकि आप लैपटॉप और पीसी करना शुरू करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा वेबसाइट है जो फेक है, आपको बोलेगा कि हाँ आप मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, मैं माइनिंग करके दूंगा 0.001 BTC, जब हो जाएगा तो विड्रॉ ले लेना, लेकिन विड्रॉ लेने का समय गायब हो जाता है, या उसके पहले ही फ्रॉड हो जाता है, या और भी ETC होता है। तो आप सावधान रहें और सचेत रहें बिटकॉइन माइनिंग को लेकर, जो ट्रस्टेड साइट है, ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर है, उसी पे विश्वास करें, क्योंकि ट्रस्टेड भी फ्रॉड ही निकल रहा है, क्योंकि ट्रस्टेड है वो भी तो इनकम करना चाहता है, वो सोचता है चलो भाई मैं यूजर को जाता हूँ बोलता हूँ कि माइनिंग करो, मैं जब इतना विड्रो इतना जब माइनिंग कर लोगे तब तो मैं विड्रो दे दूंगा। अब वो क्या करता है कि वो माइनिंग आप कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन जितना माइनिंग आप कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पे तो शो करेगा, लेकिन विड्रो वो ले लेगा सारा माइनिंग, जब आप विड्रोइंग कीजिएगा तो वो बोलेगा वो खत्म हो जाएगा साइट, या फिर फ्रॉड निकलेगा, या आपको विड्रो देगा ही नहीं, मतलब जितना आप विड्रो कीजिएगा जितना माइन कीजिएगा सब वो खुद रख लेगा,
यानी आपके कंप्यूटर को, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को, आपके सिस्टम को, आपके मैनुअली सिस्टम को यूज करेगा वो खुद के माइनिंग के लिए। फ्रॉड से बचें, सावधान रहें। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।